अपना मोबाइल फ़ोन आप निकाल लो, क्योंकि मोबाइल के थ्रू मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाने वाला हूँ। कंप्लीट इन द सेंस बहुत एडवांस लेवल पे आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सिखाने वाला हूँ। मोबाइल फ़ोन निकाल लो, टर्मक सेटअप हम लोग कर लेते हैं, ताकि जो भी काली लिनक्स में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, सब कुछ करने के लिए एक लैब सेटअप कर लें। तो सभी लोग अपना फ़ोन निकाल लो, अगर आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड फ़ोन, नहीं तो आप VMware पर जैसा मैंने सेटअप कराया था वैसे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर लें। तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा यहाँ पे, एंड प्ले स्टोर आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। जो भी आपका एंड्रॉयड होगा, चाहे कोई भी एडिशन हो, कोई भी वर्जन हो, डजेंट मैटर, आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपल आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे टर्मक्स। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ टर्मक्स। टर्मक्स टाइप करने के बाद सिंपल आप ब्राउज कर लेंगे, जो भी टर्मक्स का एप्लीकेशन होगा वो आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं टर्मक्स कौन सा है। तो टर्मक्स का ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यही आपका मेन एप्लीकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्मक्स नाम से फेक एप्लीकेशंस भी होंगे, बट आप टर्मक्स जो फ्रेडरिक फॉन वॉल करके लिखा हुआ है, आप इसी को डाउनलोड करेंगे एंड देन जस्ट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। 10 मिलियन डाउनलोड है यहाँ पर, और सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लेंगे जो भी आप अपनी आई डी वगैरह से हैं। इससे कोई आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। बट कोशिश करिए आगे की जो भी लैब होगी वो टर्मक्स जिस भी मोबाइल पर आप इंस्टॉल कर रहे हो वो उसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना हो, अपना डॉक्यूमेंट्स हो या इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी हो, बैंकिंग आईडी हो, सब कुछ हटा देंगे, तब आगे की सारी सीरीज हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। प्रिकॉशंस है, और जो भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है उसको ध्यान में रखकर फिर सारी लैब आप परफॉर्म करेंगे। ओके, तो कोशिश करिए अभी टर्मक्स इंस्टॉल करने के लिए, और बेसिक लैब के लिए आपको कोई भी तरीके का इसमें रिस्क नहीं है, बट आगे चल के कहीं ना कहीं आपका मोबाइल का डेटा और ये सब चीज़ें फॉर्मेट होने का, डिलीट होने का और बहुत सारी चीज़ों का चांस हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पे टर्मक्स इंस्टॉल हो गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको जस्ट आप ओपन कर लीजिए जैसा कि अनदर एप्लीकेशन आप ओपन करते हो। ओपन करने के बाद सिंपल कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरीके से टर्मक्स दिखा देगा। जस्ट आप यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ अल्ट की प्रेस करके, और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखाऊं ls सिंपल ls इस पर स्लैश कुछ, अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो स्लैश के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो है ना, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड मोबाइल पर काम कर रहे हो आप। सिंपल ls इस पर स्लैश आप भी ट्राई करोगे तो ये चीज़ दिखेगी। तो कंप्लीट अगली लैब के लिए तैयार हो जाओ ये सेटअप फटाफट करने के बाद, और ये सारे सेटअप के साथ मैं टर्मक्स का कंप्लीट अपडेट और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्रॉपर सेटिंग के साथ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो टर्मक्स इंस्टॉल हो गया, सभी लोग कमेंट में बता दो यस या नो, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।